हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आप सबको मेरी राम राम और नमस्ते, और स्वागत है आपका फैमिली ब्लॉग किया शर्मा में। तो अभी हुआ है दोपहर का टाइम और मैं जा रही हूँ ओजस की जो वैन आती है यानी कि बस स्टॉप पर। आज ओजस बहुत दिन के बाद स्कूल गया था लेकिन वो बैग नहीं उठा सकता क्योंकि बैग हैवी होता है, तो बस इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे तो बच्चे पलक भी ले आते लेकिन फिर हैवी है बैग, उसका भी बैग हैवी है तो बच्चा फिर ऐसे ना उठा नहीं पाता, तो क्या मैं थे? चली गई लेने के लिए। और अब मिलते हैं आपको सीधा घर। फ्रेंड लिया और जस्ट यहाँ पर कर रहा है होमवर्क क्योंकि ये बहुत दिन बाद स्कूल गया था, तो अभी इसका बहुत सारा काम बाकी है। कुछ तो इसने अपने फ्रेंड से मंगवा लिया फ़ोन पे, और कुछ नोटबुक ले आया ये। तो अभी और आज और अभी मैं कर रही हूँ जिसका होमवर्क, और जिस कई दिन से स्कूल नहीं गया तो उसका बहुत सारा होमवर्क इकट्ठा हो चुका है। तो कुछ तो उसने भी किया लेकिन फिर वो थक गया, उसका हाथ ज़्यादा देर तक लिखता है तो फिर वो दर्द करने लगता है। तो फिर उसने कहा कि मम्मा थोड़ा सा आप कर दो, तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प कर रही थी। जो बड़े क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए थे, और वैसे हर सब्जेक्ट का मतलब इकट्ठा हो हुआ पड़ा है तो फिर वो धीरे धीरे कर लेगा। आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सुबह। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने एक साइड आलू उबलने के लिए रख दिया, आपने देखा ही है व्लॉग में। और बस ये मैं यहाँ पर आटा गूंथ लूँगी और फिर तब तक मेरी चाय बन जाएगी, फिर मैं पी लूँगी चाय। और सुबह सुबह उठते ही बस यही काम शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है तो सुबह से उनके लिए मतलब खाने के लिए स्कूल में लंच के लिए उसी की तैयारी में लग जाते हैं हम सब। तो जिनके बच्चे हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि सुबह सुबह भागा दौड़ होती है एक बार तो। और आज जो जिस तक स्कूल जाएगा नहीं क्योंकि कल वो वहाँ पर परेशान हो गया था, उसने कहा कि मम्मा मैं बहुत परेशान हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं उसको भेजूंगी जब तक उसको शुक्रवार को उसे मुझे दोबारा लेके जाना है डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर से ऐसे पूछूंगी कि भी थोड़ा हाथ को ऐसे हाथ से कुछ काम कर सके तो फिर उसके बाद ही भेजूंगी, क्योंकि वो हाथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है जिसकी वजह से वो फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता। और जो उसकी बेल्ट बंदी है तो वो भी होता ही है कि अब यहाँ पे तो ये है कि थोड़ा बहुत परेशान हो तो घर पे तो लेट जाओ बैठ जाए, मतलब घर की तो अलग ही वो होती है स्कूल में। फिर मैंने आज उसको नहीं भेजा और अभी इस वीक तो मैं उसे भेजूंगी भी नहीं। और अभी जो जैसे सुबह सुबह जो भी बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ कर लेती हूँ थोड़े बहुत, तो और कुछ बच जाएंगे वो बाद में कर लूंगी।
क्योंकि अभी मैंने जो आटा लगा था उसके परात की, तो मैं इसको तो अभी साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि परात को ऐसे जूठे बर्तनों में नहीं रखते। तो अभी तो कोई बर्तन नहीं था, क्योंकि रात को तो सब साफ करके सोते हैं। तो बस अभी मैं इसको इसी टाइम धो के और फिर रख दूंगी अलग से। और अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीते टाइम यही थोड़ा सा टाइम मिलता है जब बस थोड़ी देर फ़ोन देख लो और कुछ भी। और साथ के साथ मैं खिया को भी आवाज़ लगा रही थी कि खिया उठ जा, क्योंकि टाइम हो चुका था। और खिया उठने में वैसे तो उठ जाते हैं, लेकिन आजकल वो थोड़ा करती है कि जैसे वो जिस भी नहीं जाता तो। और बस फिर चाय पी के फिर से अपने काम में लग जाऊंगी, वही सुबह सुबह की भागा दौड़ हर किसी की होती है। बस खिया नहाने के लिए चली गई थी, और अब मैं यहाँ पर आ गई थी वापस किचन में, और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि खिया ने बोला कि वो आलू फ्राई नहीं लेके जाएगी, आलू का पराठा लेके जाएगी, साथ में आम ले जाएगी। और उसने बोला कि आज वो दूध तो उसने बना कर दिया, तो मैंगो शेक बना दिया था मैंने उसके लिए, तो वो ही पी गई थी वो। और यहाँ पर मैं बना रही थी पहली रोटी, तो आपको सबको पता है कि गाय की निकलती है, तो बस मैं वही पहले रोटी गाय की निकाली थी, उसके बाद उसका पराठा बना दूंगी। और यहाँ पर वो जैसे भी उठ के आ गया था, वो पूछ रहा था कि मम्मा मुझे जाना है कि नहीं, क्योंकि कल वो मना कर रहा था जाने के लिए। तो फिर मैं कह रही थी देख लियो अगर तेरे को ठीक लगे तो, फिर उसने कहा कि नहीं मम्मी मैं परेशान हो जाता हूँ, तो फिर मना कर दिया था उसने। और बस यहाँ पर मैं खिया के लिए बना दूंगी पराठा, वो एक ही पराठा लेके जाती है अगर, लेकिन मैं एक भी थोड़ा सा ऐसा बना देती हूँ कि हाँ थोड़ा सा मोटा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो दो तो लेके जाती नहीं, और फिर दो दे दो तो फिर वाके कहते हैं दो क्यों दिए मुझे खाए नहीं जाते। और बस अब मैं क्या कर दूंगी टिफिन पैक, यहाँ पे मैंने आम काट दिए, साथ में पराठा रख दूंगी। और फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।